हेलो दोस्तों, मैं सुदीप कुमार सिंह एडवांस एक्सपर्ट ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सपर्ट। तो आज हमारी इस क्लासेस में हम बातचीत करने वाले हैं आपके साथ रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए समरी डेटा। हाँ, कैसे हम फॉर्मूले के जरिए अपनी डेटा की समरी क्रिएट करते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। और पहली बार हमारी इस पाठशाला में है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल सा एक डेटा के ऊपर कि मेरे पास एक डेटा है यहाँ, जिसमें पर्टिकुलर सेल्स ऑप्शंस ने या पर्टिकुलर कस्टमर ने किस सिटी के किस मंथ में कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया है। मुझे इसकी एक छोटी सी समरी क्रिएट करनी है सिटी वाइज। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एक यहाँ पे सपोर्टिंग शीट क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम अपने इस नेम को लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट करते हैं। और मुझे यहाँ यूनिक चाहिए, तो डेटा में जाते हैं और यहाँ होता है रिमूव डुप्लीकेट। ओके, देन मैं इसको कॉपी करता हूँ और समरी से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद वापस हम सिटी में जाते हैं, सिटी को लिया, वापस सपोर्ट में आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, आ गया। और यहाँ पे हम देते हैं सेलेक्ट सिटी और यहाँ हम डेटा नहीं, हमारे पास डेटा वैलिडेशन होता है, इसकी लिस्ट पे आते हैं और इक्वल हम अपने सपोर्ट के सोर्स में जाते हैं और सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिस्टम आ जाए। उसके बाद मंथ को हमने लिया, मंथ को हमने आगे की तरफ ड्रैग करके दिसंबर तक का ला देते हैं। मंथ हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो पता ही मंथ है। उसके बाद मुझे सिटी, मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया, तो दिल्ली के हिसाब से हमारा यहाँ अमर नीरज कविता का पूरा डेटा बन जाए, यहाँ पे टोटल आ जाए। हालांकि इसके लिए पिवट इस्तेमाल करते हैं, मतलब पिवट इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसके आगे भी इसको और ऑटोमेट करना है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाया सम इफ का, सम इफ, और हम चल जाते हैं डेटा में समरी। सम इफ क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ पे सम इफ का यूज। तो डेटा में गए, हमने सिलेक्ट किया सम रेंज की हमको सम किसको करना है। क्राइटेरिया वन रेंज, पहली क्राइटेरिया ए है। क्राइटेरिया क्या है? तो हमने बोला हमारा नेम है, देन अगेन डेटा में गए दूसरी क्राइटेरिया, और दूसरी क्राइटेरिया है और यहाँ पे हम वापस आए, दूसरी क्राइटेरिया दिल्ली है। और फिर वापस डेटा में गए, हमारे तीसरी भी गए, हम एक क्राइटेरिया भूल रहे थे, हमारा मंथली तो क्राइटेरिया है, मंथ को सिलेक्ट किया और डेटा में आया, यहाँ पे हमने मंथ को किया सिलेक्ट किया, फिर एंटर मारते हैं, रिजल्ट आ गया। अब एक बार हम इसको फिल्टर करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा पूजा कौन सा सिटी कौन सा है, दिल्ली, हाँ दिल्ली सिटी, यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करते हैं दिल्ली, और यहाँ पे मंथ हम सिलेक्ट करते हैं जैन, और ये एक ही बार डेटा को एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, जी हाँ थोड़ा सा बड़ा और हम करते हैं, डेटा को 20-25 ज्यादा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं रैम बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ, हालांकि ये जो बना रहा हूँ किसी और का डेटा है, लेकिन क्या है कि हम उनके फाइल को पब्लिकली इस तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते ना, उनके पास डेटा कुछ और था, जिनके लिए फाइल बना रहा हूँ, तो काज भी है उनके लिए बना रहा हूँ ये एग्जाम्पल, तो उनके पास कुछ और फाइल है, लेकिन यहाँ कुछ और है। अब आते हैं यहाँ पे, अब मेरा पूजा दिल्ली, अभी 12 का 12 ही है,
पूजा दिल्ली और जैन यहाँ से 77 हो गए। अब मुझे इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना, तो इसके लिए हमें फ्रीज करना होगा इन सब को। उसके बाद हमारा ए है A9, मतलब कि A9 है तो A9 का सिर्फ A फ्रीज यहाँ से समरी है, समरी हटा दीजिए क्योंकि सेम सीट का है तो इसमें समरी देना जरूरी नहीं है, दे नहीं सकते। और यहाँ B5 पूरी तरह से फ्रीज होगा और B8 का सिर्फ जो है 8 फ्रीज होगा, B रहेगा फिक्स और फिर इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। रिकॉर्ड आपके सामने, रिकॉर्ड आपके सामने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करूंगा पुणे, पुणे का आ गया, नोएडा, नोएडा का आ गया, कानपुर, कानपुर का आ गया, पटना, पटना का आ गया एंड जयपुर, जयपुर का आ गया। तो ये हमारा सपोर्ट है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में गया, बॉर्डर का था, हमने इसको लिया, यहां से हमने बॉर्डर कर दिया। तो इसमें हम ये लेते हैं डॉट लाइन और डॉट लाइन दे देते हैं। ओके, ये मंथ हमारा है तो मंथ को भी हम थोड़ा सा बोल्ड करते हैं और इसमें हम कोई और कलर लेते हैं, जयपुर, और इसको भी हम यहाँ से राउंड कर देते हैं और इसकी जो कलर है इस कलर ग्रे के जगह पे थोड़ा सा ब्लू लेते हैं और इसकी टेक्स्ट कलर को वाइट कर देता हूँ और इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ और यहाँ से हम लेते हैं हेडिंग, यहाँ पे मंथली सेल्स समरी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इसको यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम डेट देते हैं, डेट डेट में यहाँ हम देते हैं टुडे ताकि हर दिन सिस्टम डेट हमारा दिखता रहे और इसको भी बोल्ड कर देते हैं और इसको यहाँ नीचे से अंडरलाइन करते हैं। अब मैं फॉर्मूला में आता हूँ, डिजलाइन में जाता हूँ, पेज लेआउट के अंदर डिजलाइन हटा देता हूँ, डिजलाइन हटेगा और बाकी जो है इसको भी यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ और नीचे का भी हमें यहाँ से जो है हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे सिर्फ इतना ही डेटा दे। ठीक
रिपोर्ट तैयार होगी, सिंपल सा।